हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने कल एक टेंस के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस को कवर किया था, तो आज की वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द टेंस को कवर करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रेजेंट टेंस को अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के चार टाइप होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिसका फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें टाइम गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें जो नेचर ऑफ सेंटेंस होती है वो होती है हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब इतिहास का कोई इवेंट, पास्ट हैबिट्स, रूटीन ऑफ पास्ट। और जो एडवर्ब्स होती हैं इसमें यूज वो होती है टूडे, येस्टरडे, देन, एगो, बिफोर, लास्ट, पास्ट, नो सूनर, ही विशेज, आई विश, आई होप। ये आई विश, ही विशेज का मतलब होता है कि काश काश वैसा होता, काश वैसा होता। मतलब अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो हम बोलते हैं ना, काश ये हो जाता तो मैं ये कर देता, मतलब पास्ट की बात होती है ना। तो इसलिए यू विश, आई एक्सेप्ट, सपोज, यूजुअली, सेल्डम, ऑफ्टन, समटाइम, रिसेंटली। ये जो एडवर्ब होती है इसकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है इसकी। इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है किसी भी नाउन के लिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब के लिए डिड का यूज होता है। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है आई रोट आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मैंने अलग अलग टॉपिक पर आर्टिकल लिखे। आई इसमें सब्जेक्ट है, लिखे। राइट की सेकेंड फॉर्म इसमें रोट है, राइट इसमें वर्ब है और टॉपिक्स इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसकी हिंदी क्या होगी? मैंने अलग अलग टॉपिक पर आर्टिकल लिखे, मतलब पास्ट हो चुका ना, लिखे, अभी लिख तो नहीं रहा ना, लिखे, लिख चुका हूँ। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो है ही रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। इसमें रीड की सेकंड फॉर्म भी रीडी होती है, तो इसलिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रीडी यूज हुई है। ही इसमें सब्जेक्ट है, रीड इसमें वर्ब है और बुक्स इसमें ऑब्जेक्ट है। उसने कई तरह की बुकें पढ़ी, उसने कई प्रकार की बुक पढ़ी। ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है यू यूज्ड टू शॉप इन द मार्केट। यूज्ड टू हम इसलिए लगाते हैं जब अगर हम कोई पास्ट में हमारी हैबिट हो। तो इसमें यू है सब्जेक्ट, यूज और इसमें मार्केट है ऑब्जेक्ट। तो इसकी मीनिंग क्या होगा? हिंदी मीनिंग, आप बाजार में खरीदारी करते थे। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है वी वॉच्ड अ मूवी इन द कॉम्प्लेक्स यस्टरडे। हमने कल कॉम्प्लेक्स में मूवी देखी। तो इसमें वी तो है सब्जेक्ट, वॉच्ड वॉच की सेकंड फॉर्म है और मूवी ऑब्जेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, वो है वी केम फॉर शॉपिंग इन द मार्केट लास्ट वीक। हम पिछले हफ्ते बाजार में शॉपिंग के लिए आए। तो इसमें वी सब्जेक्ट है, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है शी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इसमें इसकी हिंदी क्या होगी? वह स्कूल नहीं गई। तो इसमें शी है वो है सब्जेक्ट और डिड है इसमें हेल्पिंग वर्ब। जो ये डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है, तो एक सेंटेंस में कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दो बार नहीं आती। तो एक बार अगर डिड आ चुकी है सेकंड फॉर्म, तो जो हमारी वर्ब है ना गो, मेन वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो इसमें आएगा शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हमारा सेकंड लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए? ये इंटरोगेटिव है। इसमें भी देखो आप, डिड हेल्पिंग वर्ब है ना, तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो इसमें सेकंड फॉर्म पहले ही आ चुकी है, इसलिए गो कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो जो हमारा लास्ट एग्जांपल है वो है शी डिड नॉट सिट विद मी, वह मेरे साथ नहीं बैठी। तो सिट की भी सेकंड फॉर्म सिटी होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट
टाइप ऑफ टेंस पे वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब जो पास्ट में कोई काम चल रहा है तो इसका फॉर्मेट होता है जो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम इसमें बिल्कुल भी गिवन नहीं होता है और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। वाज यूज होता है आई ही शी इट और सिंगुलर नाउन के लिए, वर यूज होता है यू वी दे और प्लुरल नाउन के लिए, और इसमें अगर इफ यूज होता है इफ तो नाउन, अगर नाउन है और सब सेंटेंस में इफ भी आया है तो इसमें वर यूज होगा। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा आगे। जैसे पहला एग्जांपल है ही वाज सिटिंग आइडल इन द क्लासरूम व्हेन द टीचर कॉल्ड हिज नेम। वह क्लास में खाली बैठा था जब टीचर ने उसका नाम बुलाया। तो इसमें ही है वो है सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, सिट की आईएनजी फॉर्म इसकी वर्ब होगी मेन वर्ब, आइडल का मीनिंग होता है खाली, इन द क्लासरूम व्हेन द टीचर कॉल्ड हिज नेम। वह क्लास में खाली बैठा था जब टीचर ने उसका नाम बुलाया। तो खाली बैठा था मतलब था तो पास्ट हो गया, पर खाली बैठा था मतलब है तो कंटिन्यूटी में वर्ब, तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ही वाज रनिंग इन द ग्राउंड टू वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज। वह ग्राउंड में दौड़ रहा था वार्म अप होने के लिए एक्सरसाइज से पहले। जो हमारा सेकंड लास्ट एग्जांपल है वो है इफ ही वर अ क्रिकेटर ही वुड प्ले फॉर इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ही इसमें सब्जेक्ट है, तो ही के साथ क्या यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ यूज होती है वाज, बट इसमें यूज हुई है वर्ब। तो जो ये हमने नीचे सबसे लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना फॉर नाउन विद इफ वर्ब कम्स, किसी भी नाउन के लिए इफ के साथ वर्ब आएगा, तो ही इफ ही वर क्रिकेटर, क्रिकेटर एक नाउन है तो इसलिए ही के साथ वर आया है यहाँ पे। अगर वो क्रिकेटर होता तो वो इंडिया के लिए खेलता। अब जो हमारा लास्ट एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है इफ ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, अगर वो क्रिकेट खेलता तो ही वुड प्ले, तो वो इंडिया के लिए भी खेलता। तो इसमें नाउन तो नहीं है ना कहीं पे भी, ही इसमें सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है मेन वर्ब, क्रिकेट यहाँ पे नाउन नहीं है और इसलिए यहाँ पे वाज ही यूज हुआ है क्योंकि ही के साथ वाज यूज होता है। पर अगर किसी सेंटेंस में नाउन आता है और इफ भी है तो उसमें वर यूज होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस पे, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप कमेंट करें जरूर पूछे, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें जरूर लिखें। और फ्रेंड्स ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें, और अगर आप कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दें, अगर आप कोई सुधार चाहते हो तो वो भी, अगर आपकी कोई कंप्लेन हो तो वो भी ज़रूर बताएं। तो अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। इसका जो फॉर्मेट होता है मतलब काम पास्ट में हो चुका, कंप्लीट हो चुका, इसकी जो पहचान होती है वो होती है था थी थे। तो इसका फॉर्मेट है जो वो है वाज सब्जेक्ट प्लस हैड है इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो टाइम इसमें टाइम गिवन नहीं है, गिवन नहीं होता इसमें बिल्कुल भी टाइम सेंटेंस में, और इसकी जो एडवर्ब होती है वो होती है हार्डली, लेटरली, बेयरली, रेयरली, येट, स्केरली, ऑलरेडी, सून, सिंस, फॉर, इवन। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हर नाउन के लिए वही यूज़ होगी क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। ही हैड गोन टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, पास्ट में जाता था ना, तो इसलिए ही हैड गोन टू स्कूल। ही इसमें सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब, गो की तरफ हम गोन मेन वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है शी हैड गोन टू प्ले, वह खेलने जाती थी। शी सब्जेक्ट हैड मेन वर्ब, गो की तरफ हम गोन प्ले ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, यह है इंटरोगेटिव, हैड ही गिवन यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पे गिफ्ट देता था। तो इसमें हैड है जो वो है हेल्पिंग वर्ब, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो ऐसे इसमें आई हैड हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, गिवन गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे।
क्या वो तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर गिफ्ट देता था। अब हम आते हैं सेकंड लास्ट एग्जांपल पे, जो हैड ही गिवन यू अ चांस टू स्पीक फर्स्ट, क्या वो तुम्हें पहले बोलने का चांस देता था। हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, सेम ही सब्जेक्ट, गिवन गिव की थर्ड फॉर्म, स्पीक फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा लास्ट लास्ट एग्जाम्पल है वो हैड ही कम टू मीट यू व्हेन यू वर इन हॉस्टल, क्या वो तुम्हें मिलने आता था जब तुम हॉस्टल में थे। तो इसमें भी हैड ऐसे ही, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, कम केम कम, कम की थर्ड फॉर्म होती है, भी कम ही होती है, और इसका जो वो है ऑब्जेक्ट हुआ है हॉस्टल। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस पे, जो है लास्ट टाइप ऑफ टेंस पास्ट इन पास्ट टेंस का, तो जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें टाइम गिवन होता ही होता है और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो हर नाउन के लिए हैड बीन ही लगेगा। अब इसके एग्जांपल्स आते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल्स किसी भी इंग्लिश के इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप भी खुद एग्जांपल्स बनाएं जिससे आपको इजीली इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी, क्योंकि एक सबसे ईजीएस्ट वे है ये इंग्लिश ग्रामर सीखने का। आप भी अपने ऊपर एग्जाम्पल्स बनाओ, किसी और के ऊपर एग्जाम्पल बनाओ जिससे आपको ईजीली याद हो जाए और कोई भी भूल याद हो जाए और आपको दिक्कत ना हो। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हैड ही बीन, हैड ही बीन स्टडिंग मैथ सिंस इवनिंग, क्या वह शाम से मैथ पढ़ रहा था, मतलब शाम से। एक इसमें टाइम बाउंडेशन दे दी होती है, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना उसमें टाइम, एक टाइम से टाइम स्टार्ट होता है, एक लिमिट दे दी कि भाई इस लिमिट से इवनिंग से, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में 10 मिनट से, उससे नेक्स्ट में है 5 ईयर से, इसमें एक टाइम लिमिट टाइम पीरियड गिवन होता है, बस यही इसकी पहचान है। और जितने भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होंगे, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, इसमें टाइम पीरियड जरूरी गिवन होगा, यही इसकी पहचान है। तो जैसे कि अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल में, शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, हेयर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से यहाँ थी। अब आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल में, I had been working at the company for 5 years when I got the promotion, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था जब मुझे प्रमोशन मिला। I इसमें है सब्जेक्ट है had been helping verb, वर्क इसकी मेन वर्ब है आई एन जी फॉर्म, एट द कंपनी फॉर 5 years। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, मार्था had been walking 3 miles a day before she ब्रोकर लैग, वह एक दिन 3 माइल चलती थी उसका पैर टूटने से पहले। यहाँ पे भी एक लिमिट दे दी ना, पैर टूटने से पहले। मार्था इसमें सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग आई एन जी फॉर्म वॉकिंग, 3 माइल्स अ डे, वह 3 माइल चलती थी एक दिन में पैर उसका पैर टूटने से पहले। अब जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो है ही हैड बीन थ्रोइंग रॉक्स एट हिज विंडो, एट हर विंडो फॉर 5 मिनट्स बिफोर शी फाइनली कम आउट ऑन द बालकनी एंड से हाय रोमी। ही हैड बीन थ्रोइंग रॉक्स, वो पत्थर फेंक रहा था उसकी विंडो में 5 मिनट से, जब तक वो आई बाहर नहीं आई और ये नहीं बोला हाय रोमियो। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, थ्रोइंग वर्ब है इसकी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, रोक एट हर विंडो, उसकी विंडो पे पत्थर फेंक रहा था फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स से बिफोर, कि जब तक शी फाइनली कम आउट ऑन द बालकनी, वो जब तक वो बालकनी में नहीं आई और उसने ये नहीं बोला कि हाय रोमियो, तो तब तक वो पत्थर फेंकता था। हम आते हैं तुम्हारा प्रेजेंट पास्ट टेंस इतना ही था, पास्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर इसके भी जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट के 4 पार्ट थे, ऐसे ही इसके भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल
शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई काम भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा कोई काम। तो जो इसमें शैल और विल आई हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब है। शैल आई वी के लिए यूज होता है और विल ही शी इट यू दे के लिए यूज होता है। टाइम इसमें गिवन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उसका एग्जाम्पल आता है, सबसे पहला ही विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी, ओ सॉरी वह गाना गाएगा। ही इसमें सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, सिंग इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉन्ग ऑब्जेक्ट। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, गा गे गी, इसकी हिंदी सेंटेंस की पहचान होती है जिसमें भी हिंदी का जो वाक्य लिखा होगा उसमें अगर लास्ट में गा गे गी होगा तो फ्यूचर फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर इनडेफिनेट। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है वी शैल गो शॉपिंग इन द मार्केट दिस मंडे, हम इस सोमवार शॉपिंग के लिए जाएंगे, भविष्य में जाएंगे ना, जाएंगे, अभी गए नहीं ना अभी पास्ट में। तो ये होता है इसमें वी है सब्जेक्ट, शैल होता है हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन द मार्केट ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वो है भोग विल गो टू द लाइब्रेरी टुमोरो, भोग कल लाइब्रेरी जाएगा, कल जाएगा ना, अब तो गए नहीं इसलिए ये फ्यूचर है। तो भोग सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब और लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट। ऐसे ही राम विल नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाएगा, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें राम सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट गो, गो है इसमें मेन वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट। जो हमारा सेकंड लास्ट एग्जांपल है वो है विल सुमित मेक अ न्यू होम नेक्स्ट वीक, क्या सुमित अगले हफ्ते नया घर बनाएगा। और जो हमारा लास्ट एग्जांपल है वो है वैन विल ही सिंग अ सॉन्ग, वह गाना कब गाएगा, वैन का मतलब होता है कब, वैन विल ही सिंग अ सॉन्ग, वह गाना कब गाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस पे, इसमें एक एक्सेप्टेशन होती है, वो होती है वैन समवन गिव थ्रेट मेक प्रोमिस और क्रिएट प्रेशर देन यूज, जिसमें जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है शैल आई वी के लिए यूज होता है और विल ही शी इट यू दे के लिए यूज होता है। अब अगर वो हम किसी को धमकी दे रहे हो, किसी से प्रोमिस कर रहे हो, किसी के ऊपर प्रेशर बना रहे हो, तो शैल तो हो जाएगा यू ही शी दे के लिए और विल हो जाएगा आई और वी के लिए, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। तो उसका एग्जांपल देखते हैं, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो जो प्रेजेंट इनडेफिनेट था उसमें तो शैल यूज हो रहा था आई के साथ, पर अगर हम मार दूंगा थ्रेट दे रहे हैं ना, हम किसी को धमकी दे रहे हैं ना, तो इसलिए आई विल किल यू, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये भी हम किसी को धमकी दे रहे हैं, तो इसीलिए इसमें भी आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, सी मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। और जो हमारे साथ लास्ट एग्जांपल है वो है शी शैल कुक द फूड, वह ही खाना बनाएगी, इसमें भी प्रेशर दे रहे हैं ना, अगर होता शी विल कुक द फूड जैसे लास्ट लिखा हुआ है, शी विल कुक द फूड, वह खाना बनाएगी, इसका मीनिंग तो ये हुआ। और जो सेकंड लास्ट है शी शैल कुक द फूड, वह ही खाना बनाएगी, इसमें प्रेशर दिया गया है, मतलब कन्फर्मेशन, वह ही खाना बनाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस पे, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जितने भी कॉन्टिन्यूस होंगे पास्ट परफेक्ट फ्यूचर सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगी प्लस ऑब्जेक्ट, और जितने भी परफेक्ट होंगे उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इसमें जो विल बी और शैल बी है वो है हेल्पिंग वर्ब, तो विल बी किसके लिए यूज होगा, शी ही इट यू दे, और शैल बी आई और वी के लिए। अब हम इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। जो पहला एग्जांपल है वो है शी विल बी कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही होगी, बना रही होगी, बना रही कंटिन्यूटी आ गई और होगी फ्यूचर में। शी सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फूड ऑब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, वो है आई शैल बी टीचिंग द चाइल्ड्स, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँगा, फ्यूचर पढ़ा रहा कंटिन्यूटी। जो हमारा थर्ड एग्जांपल है वो है आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा। जो उससे नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ही विल नॉट बी गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते काम पे नहीं जा रहा होगा।
जो हमारा सेकंड लास्ट एग्जांपल है वो है ही विल नॉट बी वॉचिंग द मूवी नेक्स्ट संडे, वह अगले संडे फिल्म नहीं देख रहा होगा, मूवी नहीं देख रहा होगा। जो हमारा लास्ट एग्जांपल है वो है विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग टू स्कूल, देखो विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसलिए जब हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल फर्स्ट में आ जाए तो वो इंटरोगेटिव हो जाता है, क्वेश्चन पूछने वाला हो जाता है, क्या वह स्कूल जा रहा होगा। सॉरी अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। इसका जो फॉर्मेट है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो मैंने बोला था कि परफेक्ट चाहे फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल हैव किस किस के लिए यूज होगा, ही शी इट यू दे, और शैल हैव आई और वी के लिए। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल हैव कुक्ड, ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा, होगा मतलब फ्यूचर में, और खेल चुका मतलब परफेक्ट, काम पूरा हो चुका होगा। ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा। ही सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई शैल हैव कुक्ड द फूड, मैं खाना बना चुका होऊंगा। और जो उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड एग्जाम्पल है वो है ही विल हैव गोट अ जॉब नेक्स्ट ईयर, उसे अगले साल नौकरी मिल चुकी होगी। ही सब्जेक्ट विल हैव हेल्पिंग वर्ब गोट, गेट की थर्ड फॉर्म, मिलना, अ जॉब नेक्स्ट ईयर, जॉब ऑब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर, अगले साल जॉब मिल चुकी होगी। जो उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ वो है यू विल हैव बिकम पीएम ऑफ इंडिया बाय 2022, तुम भारत के प्रधानमंत्री, तुम 2022 तक भारत के प्रधानमंत्री बन चुके होंगे। जो हमारा सेकंड लास्ट एग्जांपल है वो है ही विल नॉट हैव रिटर्न, वो नहीं लिख चुका होगा। ही सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब नॉट हैव रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। और जो हमारा लास्ट एग्जांपल है वो है विल ही हैव रिटर्न, क्या वह लिख चुका होगा। विल फर्स्ट में आ गया मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस पे, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो फॉर्मेट है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम इसमें गिवन होगा। जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, एक टाइम पीरियड, एक टाइम लिमिट जहाँ से काम शुरू हुआ वो गिवन होगा हमेशा। तो विल हैव बीन ही हर किसी के लिए यूज होगा क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, ही शी इट यू दे आई वी। तो जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो एग्जांपल्स हैं वो है, जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है शी विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बात कर रही होगी। शी सब्जेक्ट विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब टॉकिंग, टोकी आई एन जी फॉर्म, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बात कर रही होगी, होगी मतलब फ्यूचर। तो सेकंड एग्जांपल है वो है ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर टू आवर्स, वह 2 घंटे से काम कर रहा होगा। जो थर्ड एग्जांपल है वो है रॉबर्ट विल हैव बीन रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स ऑन द टॉपिक, वह टॉपिक के ऊपर अलग अलग बुक पढ़ रहा होगा। जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो है आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँगा। जो हमारा सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है वो है वी विल नॉट हैव बीन वेटिंग लॉन्ग, हम इतनी देर तक इंतजार नहीं कर रहे होंगे। जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है विल यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपको पूरे टेंस कवर करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछे, और अगर आपको ये इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो कि सीन्स फॉर फ्रॉम कहाँ पे यूज़ करना है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हम अगली टॉपिक जो अपना जो हम नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है एक्टिव पैसिव वॉइस, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।